नीट पेपर लीक मामले में पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। इस माहौल में कई स्तर पर समीक्षा और जांच चल रही है। ईओयू और बिहार पुलिस की टीमें बिहार से लेकर झारखंड तक ताबड़तोड़ जो छापेमारी कार्रवाई कर रही है। कई आरोपियों को, संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक 19 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। पूछताछ जारी है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस पूरे प्रकरण का कनेक्शन संजीव मुखिया गिरोह से है। संजीव मुखिया को बिहार में पेपर लीक कांड का किंग पिन बताया जा रहा है। संजीव को ही एक प्रोफेसर के जरिए सबसे पहले प्रश्न पत्र मिला था। पहला प्रश्न जो था प्रश्न पत्र था नीट पेपर लीक जो गड़बड़ी मामले में। अभी तक 110 छात्रों को एनटीए अभी तक परीक्षा से बाहर कर चुकी है। छात्र संगठन इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फैसला अभी कोर्ट में है। 8 जुलाई को सुनवाई होनी है, लेकिन कोर्ट परीक्षा रद्द करने के मामले में दायर तमाम याचिकाओं को रद्द कर चुका है। इस मामले में एनएसयूआई ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर परीक्षा रद्द कराने की मांग की है, लेकिन देश के लाखों छात्रों का भविष्य अभी भी अधरचूल में है। उनकी नजर टिकी है सरकार और कोर्ट के फैसले पर, क्योंकि 6 जुलाई को काउंसलिंग भी है। लोकसभा का सदन शुरू हो चुका है। विपक्ष इस मामले को तूल दे सकता है और शिक्षा मंत्री पर इस इस्तीफे का दबाव भी इस दौरान बढ़ सकता है। इस पूरे मामले में चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान आज जुड़े हैं। बीजेपी से शरद अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस से दीपेंद्र लोनीवाल जी हैं और आरएसएस से अखिल त्रिवेदी जी हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मनु दादी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल शरद जी आपसे, बीजेपी से, बीजेपी की सरकार है एनडीए गठबंधन के साथ, क्योंकि जवाबदेही की बात की जा रही है, जवाबदेही की, और जवाबदेही को क्यों नहीं स्वीकार रही सत्ताधारी पार्टी? इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो संघ और एबीवीपी के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई प्रजा की जो मांग है, प्रजा के प्रति जवाबदेही तो सरकार की ही बनती है। क्या कहना है आपका, क्योंकि क्या गुनाह है इतने लाखों, जो 24 लाख विद्यार्थी, उनका क्या गुनाह है? उनको झेलना पड़ेगा इसका दंश, चाहे परीक्षा रद्द हो या नहीं हो। शरद जी नमस्कार। विजय जी, मैं आपके सवाल का सीधा सीधा उत्तर देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो मोदी 3 सरकार चल रही है और 2014 से चलती आ रही सरकार जनता को हर प्रकार से, हर तरह से जवाबदेही का जज्बा भी रखती है और पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को आगे ले जाने का जोश भी रखती है। देखिए, जो ये भी पेपर लीक का मामला हुआ है, 24 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है, इसमें जैसे जैसे मुख्य बिंदु सामने आए उन सबकी जांच सरकार द्वारा कराई जा रही है। एंटी पेपर लीक कानून भी सरकार द्वारा लाया गया है, जिसमें ये प्रावधान है कि जो भी ओएमआर शीट या पेपर की लीक के मामले में दोषी पाया जाएगा उसे तुरंत 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान है। देखिए, देश में अलग अलग सेंटर बनाए जाते हैं जो भी पब्लिक एग्जाम होते हैं। इन एग्जाम्स के तहत देश में विभिन्न पब्लिक सर्विसेज में, चाहे नीट एग्जाम हो चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, सब एग्जामों में विद्यार्थी चुने जाते हैं। कुछ स्थानों पर जहां पर ये गड़बड़ी पाई गई है, जांच की जा रही है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं साथ ही साथ ये भी मानता हूं कि जो बच्चों ने पूरे साल तैयारी की थी, जिन्होंने पूर्ण रूप से अपना समय दिया था, उनका भविष्य के एक बार तकलीफ तो जरूर हुई है, लेकिन देश में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ है, जो भ्रष्टाचारी लोग सिस्टम में आ चुके हैं, जिनको 2014 से मोदी जी की सरकार और अब एनडीए की सरकार मिलकर निकालने में कार्यबद्ध है, वचनबद्ध है, वो लोगों की जो जड़ें जितनी गहरी हो चुकी है, उनको उखाड़ फेंकने में सरकार किसी प्रकार से भी कोताही नहीं बरतेगी। मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा, इस पार्टी समय समय पर जो आरोप लगा रही है, जो आयुषी पटेल जी को जो ट्वीट प्रियंका गांधी जी ने किया था, उनकी याचिका भी हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर याचिका लगाई थी, उनकी ओएमआर शीट से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। हमें सीबीआई पर, सरकार की प्रणाली पर, जांच एजेंसियों पर विश्वास रखना होगा। सच सबके सामने आएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास रखना होगा। दीपेंद्र जी,
उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है डॉक्टर राधा कृष्णन की जो अध्यक्षता में, उसके अलावा ईओयू पुलिस और सीबीआई तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं और 19 से ज्यादा जो गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, उसके बाद में भी क्या चाहिए विपक्ष को? क्यों कांग्रेस हंगामा खड़ा किए हुए है? आज जंतर मंतर पर जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, तमाम जो चीजें हैं उनका एनालिसिस हो जाएगा, जांच हो जाएगी, उसके बाद में क्या निर्णय होगा? कोर्ट कब में से भी अभी 8 जुलाई को फैसला आना है, तो कांग्रेस क्यों हंगामा कर रही है? विपक्ष का हंगामा किस वजह से? विजय जी, सबसे पहले तो मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो मीडिया जो है, मुख्य धारा का जो मीडिया है, वो आज भी चुनाव के नतीजे आ गए और एनडीए की सरकार भी बन गई है, उसके बावजूद भी वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये एनडीए की सरकार है ना कि मोदी सरकार है। आज भी मुख्य धारा का जो मीडिया है वो इसको मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार बताता है, बल्कि ये एनडीए की सरकार है। सर, पहले तो हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब मोदी की सरकार नहीं रही, अब ये गठबंधन की जोड़तोड़ की सरकार है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम, आज शिक्षा मंत्री 5 मई को मामला सामने आया था, 4 जून को इसका रिजल्ट आना था, सॉरी 14 जून को इसका रिजल्ट आना था, और आनंद फानंद में 4 जून को इसका रिजल्ट आया। शिक्षा मंत्री मोदी सरकार, सीबीआई की बात करी, जांच प्रणालियों की बात करी, तो सर आपको पंजाब इलेक्शन को भी नहीं भूलना चाहिए, पंजाब इलेक्शन भी याद रखना चाहिए, का जो इतना टाइम लगा है। और आज जो विपक्ष है, जिस तरीके से विपक्ष ने एनएसयूआई है वो अपना प्रदर्शन कर रही है, तमाम विपक्षी दल है वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं इस मामले में, तो सरकार को इतना वो नहीं होना चाहिए कि उनको जरा सा तो उनके अभ्यर्थियों के प्रति और उनके भविष्य को लेकर के जरा सा तो उनमें कहीं ना कहीं ऐसा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि उनके भविष्य, कांग्रेस कह रही है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, शिक्षक मंत्री इस्तीफा क्यों दे? राजस्थान में हुआ था रीट लीकर पेपर लीक मामला हुआ था, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया था, आपने भी कमेटी बनाई थी, जांच हुई थी, फिर उसके बाद में कानून भी लेकर आए राजस्थान में, तो अब शिक्षा मंत्री हैं जो धर्मेंद्र प्रधान, उनसे इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? कर रहे हैं अपने स्तर पर, जांच एजेंसियां कर रही है, उन्होंने हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है, उच्च स्तरीय कई स्तरों की जाँच हो रही है, अलग अलग जगह से रिपोर्ट आ रही है, और एनटीए अपना काम कर रहा है, जो भी दोषी होगा, सरकारी विभाग के कर्मचारी भी इसमें आरोपी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसी विपक्ष में बैठ के सिर्फ खिलाफत करनी है और ये सिर्फ कि भाई इस्तीफा दें, इस तरह की मांग करनी है, क्यों ना उसको बैठ कर तो एक साथ एक मंच पर सुलझाया जाए? अगर जांच में ये कहना चाहिए इस मामले में कि भाई साथ में एक साथ पक्ष और विपक्ष इस मामले में सहयोग करेंगे और इस मामले में निष्पक्षता से चीज़ें होनी चाहिए, इस तरह का कानून बनना चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि ये जो लगातार जिस तरह के मामले आते हैं ना, जहाँ ये जो इस तरह के पेपर लीक मामले, ये पेपर लीक के जो सरगना है, जो गिरोह हैं, ये वही बार बार रिपीट होते हैं। ये संजीव जो माफिया है, संजीव कुमार, ये गिरोह पहले भी कई तरह की जो एग्जाम्स हैं उनके पेपर लीक कर चुका है, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, छूट जाते हैं और फिर दोबारा उसी चीज़ में लिप्त हो जाते हैं। कई मामले ऐसे भी आए, कई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी अपना एक माफिया गैंग चलाते हैं, कोचिंग माफिया अलग से, उनके इन्वॉल्वमेंट की भी खबरें आती है, वो अपने जो बड़ा पैकेज लेते हैं, बड़ी फीस वसूलते हैं स्टूडेंट से, और उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट लिस्ट में अपने जो नाम, अपना फोटो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के चक्कर में इस तरह की चीज़ों से लिप्त रहते हैं। और इसमें तो पॉलिटिशियंस के भी नाम आते रहे हमेशा, कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें फला पॉलिटिशियन का पैसा लगवा, तो इन तमाम चीज़ों के लिए कानून बनना चाहिए, पक्ष विपक्ष को साथ रहकर इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए। जी विजय जी, मैं बोलना चाहूंगा, देखिए इस वक्त विपक्ष को केवल और केवल टीवी पॉलिटिक्स करना है, उन पे मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। आपने सही कहा कि राजस्थान में जब पेपर लीक हुआ था, जो ये हाथी का बाड़ा, ये डोटासरा जी का बाड़ा वाला डायलॉग चला था, आप उसको मोदी जी का बाड़ा अगर आपने नारा दिया तो आप उसको अपना शान समझते हैं कांग्रेसी की, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। जो ये माफिया लोग हैं, ये आप देखेंगे तो इनके पनपे कांग्रेस सरकार में है,
ये पनपे विपक्ष की सरकारों में है, इनकी सांठगांठ कहीं ना कहीं इनके आंकड़ा जो है कांग्रेस पार्टी से होंगे। शरद जी देश को लूटने की राजनीति, बच्चों के भविष्य का ख्याल रखने की सरकार की राजनीति जो करी है कांग्रेस पार्टी ने करी है। शरद जी 10 साल आप बोलते हैं कि जांच हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है, तुरंत एक्शन ले रही है सरकार, तबड़तोड़ फैसले ले रही है, लेकिन जांच एजेंसियों की ऑफिस में बैठ के ऑर्डर करने से जांच नहीं होती। चलिए दीपेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं बोलने दे रहे सर, आप कहां का आवाज दीपेंद्र जी आप बोलिए सर, आपने कांग्रेस की जो तत्कालीन हमें जांच एजेंसियों पर पूर्ण रूप से विश्वास रखना होगा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, इसके लिए एनडीए की सरकार पूर्णतः वचनबद्ध है। शरद जी अभी तो सवाल भी नहीं आया, इससे पहले आप धोखा गए, आप बोलने तो दीजिए, आप कहां कहां नहीं बोलने दोगे बताइए, आप ऐसा क्यों करते हैं? आपकी सवाल मेरे से किया गया है, जवाब आप दे रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे। अभी तो हम बड़े अच्छे से वार्तालाप कर रहे हैं सर, इतना जल्दबाजी किस लिए आपको? सवाल का जवाब तो सुनिए ना सर। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप बोलिए, आपका जवाब दूंगा। बोलने दीजिए आप बोलिए ना सर। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बहुत ही संजीदा पत्रकार हैं सर, और ये संवेदनशील विषय है अभी जो छात्रों का अभ्यर्थी कोई इस तरह की टीका टिप्पणी और पहली बात उनकी तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे पेपर लीक हुए। आप शायद ये भूल रहे हैं कि वसुंधरा राजे के टाइम पर कितने और बीजेपी के टाइम पे कितने पेपर लीक हुए थे। आप उनको काउंट करना चाहेंगे या उनको आप टेबल करना चाहेंगे सर? या सर जी आपकी है हिम्मत कि उनको आप टेबल काउंट करें? दूसरी बात, आपने राजस्थान में जो सरकार बनाई, आपका पहला मुद्दा था पेपर लीक, और आप एजेंसी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, किसी को आपको जांच करिए, उनको अंदर करिए, आपको आपके पास है सब कुछ है, आप ये माने से बना रहे। एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, भजन लाल जी की सरकार जिस मुद्दे पर भजन लाल जी की सरकार आई है, राजस्थान के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, देखिए एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आज जो स्टेज पर बैठकर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, कई चेहरे जेल के पीछे पाएंगे, इनमें से कई चेहरे ये जो स्टेज पर नाचते थे ना, वो जेल के पीछे पाएंगे, दोषी पाए जाएंगे, जहां देखिए फैसला होगा, एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल है जवाब देगी क्यों नहीं सरकार? कोई भी सरकार है, कोई भी सरकार उठ गले जिसके जो नेता कार्यकाल में स्टेज पर बैठे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, सवाल ये है 10 साल से मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं, मोदी सरकार का है, वो लेके टैग लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, एनडीए सरकार को मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, आप कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। तीसरा कार्यकाल है आपका, और धर्मेंद्र प्रधान जी दूसरे कार्यकाल में दोबारा शिक्षा मंत्री रहे, तो कहीं ना कहीं लूपहोल्स तो पहले से ही चल रही थी, क्यों मैनेजमेंट इस तरह का खराब हुआ? पहले अलग अलग स्टेट्स में ये एग्जाम हुआ करती थी, कहीं आरपीएमटी, कहीं सेंट्रल की अलग से सीपीएमटी होती थी, इसको एक कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद सामने आया है नहीं, लेकिन ये देखिए इसको इतना इतना हल्के में कैसे लिया जा सकता है? एक्शन मोड में सरकार है, आदर्श इस पर टिकी हुई है, और इसमें इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है? पेपर लीक कानून लागू करना भी है, एंटी पेपर लीक जवाबदेही के लिए आगे क्यों नहीं है? पेपर लीक कानून लागू करना अपने आप में यही नहीं मान सरकार का पहला कदम है कि वे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ सहन नहीं कर रही है। एंटी पेपर लीक कानून जो अपराधियों ने स्वीकार किया कि पेपर लीक हुए हैं, और पेपर लीक का पूरा प्रोसेस उनके सामने आ गया, जब जाके तो ये मामला है, तब भी सरकार ने आकर ये आगे से नहीं कहा खुद ने कि उनके किसी प्रतिनिधि ने कि हाँ जी पेपर लीक हुआ है। सरकार ने सीबीआई को जांच दे दी है, कड़े प्रावधान इसमें किए जा रहे हैं, और जो जो दोषी पाए जाएंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप इस चीज का पूर्णतः विश्वास रखिए विजय जी, 24 लाख बच्चों का दिया है, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। मनु दादी जी अखिल विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं हमारे साथ। मनु जी आपके राष्ट्रीय महासचिव हैं यज्ञ शुक्ला, आप भी भारतीय जनता पार्टी के ही जो विंग है,
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, लेकिन आज उनकी तरफ से भी इस तरह का बयान आया, यज्ञ शुक्ला की तरफ से इस तरह का बयान आया कि प्रजा की तरफ सरकार को जवाबदेही तय करनी ही होगी। नीट मामले को लेकर मैं बोल रहा हूँ, आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपको थोड़ा आवाज आपकी कम आ रही है मनु जी, आवाज थोड़ा लाउडली बोलिए, थोड़ा आवाज की प्रॉब्लम आपकी तरफ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी, और जब जब छात्रों पे अत्याचार हुआ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अग्रिम पंक्ति में रहकर अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ी है। आपने देखा 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य जब डगमगा रहा था, सरकारों द्वारा पेपर लीक हो रहे थे, और राजस्थान की बात करें, जैसे राजस्थान के हम रहने वाले हैं, राजस्थान की बात करें तो रीट से लेके एसआई जेईएन लगभग 16 पेपर राजस्थान में आउट हुए थे। तो विद्यार्थी कार्यकर्ता विधानसभा घेराव तक की नौबत आ गई थी, और सरकारों को ये मानना पड़ा कि ये पेपर आउट हुए थे और इन्हें रद्द करके दोबारा परीक्षा कराई गई। तो कहीं ना कहीं हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री है शुक्ला जी, उनका बिल्कुल बिल्कुल साथ है, और विद्यार्थी जहां भी पेपर में रहकर आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मनु जी। एक मिनट, हमारे और उस आरएसएस से संघ विचारक हैं अखिल त्रिवेदी जी, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका नंबर नहीं आया। अखिल जी, इस पूरे प्रकरण में आपका क्या कहना है, क्योंकि आरएसएस ने भी कुछ प्रकरण कुछ चीजों में अब आगे आई है, अब वो वाली बात जो थी कि हाँ भाई एक विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इसको मदर विंग कहा जाता था आरएसएस को, लेकिन जिस तरह से जो नीट मामले में आपके राज्यसभा के दो सांसद है, उन्होंने भी कहा कि इस मामले में सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए, सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, आप किस तरह लेते हैं इसको? देश के भविष्य का मामला है। बिल्कुल, युवाओं के भविष्य के मामले के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सदैव छात्र हित के लिए छात्र भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम हमारे विद्यार्थी विंग में हमारा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, और हम युवाओं के भविष्य के साथ बिल्कुल भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं चाहता है। और जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि नीट यूजी परीक्षा जो परिणाम 2024 के अंदर आया, इसके अंदर जो भी धांधली पाई गई है, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि 0.001% भी अगर इसके अंदर किसी की गलती पाई जाती है तो इसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, और नेशनल टेस्ट एजेंसी जो एनटीए है उसको इससे जांच सौंपी गई है केंद्र सरकार, और एनटीए को ये निर्देश भी दिए गए हैं संगठन की ओर से कि वो किसी भी प्रकार से इसके अंदर इसको एक दूसरे पर ना डालें, और इसके ऊपर अगर अन्याय हुआ है उन विद्यार्थियों के साथ, अगर ये गलत हुआ है तो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का भी खिलवाड़ ना हो, और हर तरीके से विद्यार्थियों के पक्ष में छात्र संगठन के रूप में हम सदैव खड़े हैं। विद्यार्थी सदैव पूरी मेहनत करके परीक्षा के लिए तैयारी करता है, और उसके बाद ही वो परीक्षा देने जाता है, उसके बाद ही ये सारी विषय होते हैं। अखिल त्रिवेदी जी, बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही विचार है आपके, लेकिन मेरा इतना सा छोटा सा सवाल ये है कि इस मामले में एक हफ्ते तक तो ये बात चलती रही, हफ्ते भर तक, कि सरकार इस बात को माने कि पेपर लीक हुआ है, कई चीजों के खुलासे हो गए, यहाँ तक कि जो आरोपी है उन्होंने भी अपना बयान दे दिया, उसके बाद में भी सरकार की तरफ से ये बयान क्यों नहीं आया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, गलती हुई है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, कड़ी कार्रवाई करेंगे, जांच एजेंसियां बिठा दी गई है, उच्च स्तरीय एक कमेटी बनाई जाएगी, इस तरह का कोई सामने आकर बयान क्यों नहीं आता? क्यों नहीं शिक्षा मंत्री का बयान सबसे पहले आया? हफ्ते भर इस मामले को खींचा गया, उसके बाद में तामझाम इकट्ठे किए, जब प्रेशर हुआ विपक्ष का, जब जाकर बयान आया, जब लोग जब सड़कों पर उतरने की बात आ गई स्टूडेंट्स की, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य इसमें खराब हो रहा है। अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे देगा 8 जुलाई को, जो भी होगा, रद्द तो कर नहीं रहे अभी तक जो जानकारी मिल रही है, लेकिन रद्द नहीं करने के बाद मेरिट लिस्ट में जो जिन बच्चों को आना चाहिए वो बच्चे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि संदेह के आधार पर ही 110 स्टूडेंट्स को तो निकाल दिया गया है, लेकिन उसके अलावा जो इसमें लूपहोल्स में जो आगे चले जाएंगे मेरिट लिस्ट में, उनका क्या होगा?
मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपको पहले पहले आपका सवाल था कि किस प्रकार की शिक्षा मंत्री जी ने या सरकार ने एक सप्ताह तक बयान नहीं दिया, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। विरोधात्मक जो मुकदमाबाजी है जो इस चीज को लेकर चली है, ये विद्यार्थियों के भविष्य का मामला था। किसी भी सरकार को, किसी भी प्रतिनिधित्व को जब अगर कोई जवाब देना पड़ता है तो उसके लिए उसकी पूरी जांच करनी पड़ती है। एक आप माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अगर कोई चीज क्या आप लोगों जनता के समक्ष अगर कुछ बयान देना है तो उसको पहले उस चीज को पूरा गोत्र होना पड़ता है। अगर उसके अंदर का समय लगा तो वो एक अलग विषय है, समय लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर जवाब नहीं दिया होता हम कह सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि सीबीआई को भी इसकी जांच भेजी गई है और सीबीआई को जांच देने के पश्चात सीबीआई की जांच की मांग है और इसके अंदर न्याय के रूप में सुप्रीम कोर्ट भी 8 जुलाई को, आने वाली 8 जुलाई को इसके चीज के लिए बोलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय विद्यार्थियों के भविष्य के लिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, ये मायने नहीं रखती है। विद्यार्थियों का भविष्य मायने रखता है, विद्यार्थियों के हित में फैसला होना चाहिए। अगर विद्यार्थियों का अन्याय हुआ है तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि हमारा विद्यार्थियों के क्षेत्र में, हमारे छात्र के संगठन के क्षेत्र में काम करता है, मैं उनके प्रतिनिधित्व से भी आग्रह करूंगा कि वो भी इसके अंदर अपनी आवाज को बुलंद करें और विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए अपने जो हर संभव प्रयास करें। अच्छा दीपेंद्र जी, सीबीआई भी जांच कर रही है, आई लेवल कमेटी भी बैठा दी गई है और आरोपी भी धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं। 19 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे सारे जो उनका कनेक्शंस हैं, जो ऊपर बैठे जो जो उनके हाई कमान है, जो उनके गिरोह हैं, उनके सरगनाओं से उनके भी नाम आ रहे हैं, वो भी गिरफ्तार होंगे निश्चित तौर पर। जो तमाम जो जांच एजेंसियाँ बैठा दी गई है, लेकिन अब क्या मांग है, विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष जैसे कि आज भी जो NSVI का धरना था, फिर उसके अलावा कांग्रेसी लीडर और अन्य विपक्षी संगठन है, उन्होंने भी कहा कि शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए, सरकार जवाबदेही नहीं कर रही। किस तरह जवाबदेही चाहिए विपक्ष को, ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ये मामले तो यूपी गवर्नमेंट भी मांगते इस तरह पेपर लीक। सर देखिए, हमें इस चीज के लिए इनकार नहीं करें, हम तो बात मुद्दा है, यहाँ पे संवेदनशील मुद्दे पे बात हो रही है तो हम उस मुद्दे पे बात करें। सर 16 जून को जब देश के कोने कोने में जब विद्यार्थी निकले, सड़कों पे आए, उन्होंने प्रदर्शन किया, तब जाकर के जो इन्होंने गिरफ्तार किया था उनका कबूलनामा पेश आया और पब्लिक के सामने उनका कबूलनामा पेश किया गया। सर आप मुझे एक बात बताइए, मोदी जी राजस्थान में आकर के पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के सरकार चलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे चुनावी राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है पेपर लीक को लेकर के, और फिर वो उसी मामले में क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है शिक्षा मंत्री की कि वो इस्तीफा दे? जो आपने मुद्दे रखे, जो आपका मैनिफेस्टो था, आपने सारा, तो क्या शिक्षा मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है उनकी इस्तीफा देने की? अब सवाल ले रहे हैं सर। और जब विपक्ष ने अगर इतना मुखर होकर के इतनी आवाज ना उठा रहा होता और इतना प्रदर्शन ना कर रहा होता तो ये बातें तो वैसे ही दब जाती जो कई मामले दब गए एनडीए की सरकार में, बीजेपी मोदी की सरकार में। आपको बता दूं सर, इनसे क्या उम्मीद करें कि आपको पता होगा जब चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था सर, जब लोगों ने इतना विरोध किया, उसका वीडियो सामने आया, तब जाकर के इन्होंने कहीं माना कि हमसे गलती हुई है। इसके ऊपर मोदी सरकार को माफी, एनडीए सरकार को माफी मांगनी चाहिए और जो शिक्षा मंत्री उनको इस्तीफा देने लगे उनकी नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि जनता ने उनको चुना है, उनकी सरकार बनी है, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज ये नहीं है कि आज वो अपने ही उस चीज से मूल जो उनका मुद्दा था उसी से भटक जाए, ऐसा नहीं हो सकता विजय जी। ठीक है मनु जी, आप छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं और छात्रों की भावनाओं को अच्छी तरह से जानते हैं। 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे क्योंकि 15 मिनट लेट हो गई थी 6 सेंटर्स पे, उसके अलावा और भी कुछ सेंटर्स थे, 6 पर एक साथ बराबर के मार्क्स आए, 720 में से 700 मार्क्स आ गए थे। लेकिन ये जो 1563 जो छात्र थे उनको जो ग्रेस मार्क दिया था उसको एग्जाम को रद्द कर दिया, 1563 जिन छात्रों को मिला था उनकी एग्जाम रद्द करके दोबारा उनकी एग्जाम ली गई। 813 परीक्षार्थी शामिल हुए, बाकी जो रह गए परीक्षार्थी उनका क्या गुनाह था, उनको उनकी जांच किस तरह होगी, क्या वो सारे आरोपी हैं, ये किस तरह सिद्ध होगा, जो या तो वो होपलेस हो गए या डिप्रेशन में आ गए अच्छी परीक्षा करके, क्या वजह रही वो बैकफुट पे आ गए, 813 परीक्षार्थी शामिल हुए बाकी का क्या, इस तरह का और भी जांचें होंगी आपकी, तो ये फेरिस्त है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उनका भविष्य खराब होगा, क्या कहना है छात्रों के नजरिए से जानना चाहूंगा। और के साथ अन्याय हुआ है उसको परीक्षा बहुत बड़े बहुत ज्यादा विद्यार्थी है,
जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान में सीट पर तो कहीं ना कहीं सरकार को इसकी पूरी देश के युवाओं का भविष्य है, हमारे देश के डॉक्टर अगर भ्रष्टाचार से बचेंगे तो वो क्या सेवा भाव हमारे देश के लोगों का इलाज, जब क्या सेवा भाव से हमारे देश को तो हमारा विद्यार्थी जांच करा के जल्द जो गुनहगार को उनको सजा दी जाए और पेपर को के अलावा कोई नजर नहीं आता है, क्योंकि आप ये विद्यार्थी के पास पेपर पहुंचा 11 के पास नहीं पहुंचा, तब तक आपका विद्यार्थी परीक्षा उपस्थित बाकी को डिकार कर दिया, तो कहीं ना कहीं छात्रों क्या है कि विद्यार्थी शिक्षा जिनका विरोध करती है, और अगर हमारे मांगों को नहीं मानेगी सरकार तो आपने देखा आपको थोड़ा नेटवर्क इशू है या फिर आवाज आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है आपके मनोज जी। चलिए चलिए शरद जी, विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि विपक्ष को पता नहीं है कि उन्हें देश। अखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अखिल जी बताइए। मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि विचार परिवार होने के नाते हम केवल और केवल इस चीज की विरोधाभासी और इस चीज के लिए केवल आरोपबाजी ना करके अगर विद्यार्थियों के साथ अगर कुछ गलत हुआ, उनके भविष्य के साथ कुछ गलत हुआ है तो उस चीज पर ध्यान दें। और रही बात कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ, जैसा कि आप सभी मेरे और भी साथी वक्ताओं से मैं सुन रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, देन नॉट अ पर्टिकुलर टास्क, कि अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा देगा तो ही न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। न्याय के लिए अगर गलती जिससे भी हुई है, एनटीए और सर्वोच्च न्यायालय ने जिससे भी गलती हुई उनको स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है कि अगर आपसे पेपर कंडक्ट कराने के अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई है तो उसका आप सॉल्यूशन निकालें, उसकी प्रॉपर जांच हो, अपराधियों को सजा हो, दैट इज द इश्यू। एक्चुअली आप चाहें कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे तो उससे विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलेगा, मैं भी यही कह रहा हूं सिस्टम को सुधारना ही है आज जी। हाँ, सिस्टम को सुधारिए, भ्रष्टाचार तक खुद बोलना चाहता हूँ। आप अगर ये पूछते हैं कि कब सुधारेंगे तो सुधारने का विषय ऐसा है कि अगर आपके साथ अगर किसी प्रकार का विद्यार्थी अन्याय है उसके खिलाफ अगर टीम का गठन नहीं होता, मैं राजस्थान की भी अगर बात करूं तो राजस्थान के अंदर भी पेपर लीक मुकदमे जब कांग्रेस सरकार के अंदर हुए थे तो कौन सा गोविंद सिंह डोटासरा जी को पदमुक्त कर दिया गया था मंत्री पद से, जब नहीं किया गया। आज राजस्थान के अंदर जब माननीय भजन लाल जी शर्मा जी की जो सरकार है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी सरकार है, सबसे पहले विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पेपर लीक के खिलाफ एंटी कानून बनाया गया, एक फोर्स का गठन किया गया जिसके तहत विद्यार्थियों को न्याय मिला। और वर्तमान में केंद्र सरकार के अंदर भी अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को यह अवगत कराया गया, बीजेपी सरकार में अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो जांच जारी है, सीबीआई को जांच दे दी गई है, आपकी इस्तीफे की मांग गलत है, आप न्याय की मांग कर रहे हैं। आपने सीबीआई को जांच दी क्या, तभी आपकी कमेटियों ने क्या न्यायपूर्वक जांच करी, क्या कांग्रेस ने क्या न्यायपूर्वक राजस्थान में जांच करी, नहीं करी। देखिए ऐसा है देखिए गवर्नमेंट का फेलो है, गुड गवर्नेंस नहीं है, सुनिए शरद जी, विपक्ष के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि देश के बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो सकता है। ठीक है, आपकी बात मैं भी ये कह रहा हूँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट
इस तरह का जो पेपर लीक वाला प्रकरण अगर सामने आया है तो इसको सिस्टम में बहुत गंभीरता से सुधारने की जरूरत है। ये जो घटना का इंतजार क्यों किया, इतनी बड़ी घटना का इंतजार क्यों किया, सबसे बड़ा सवाल है। 67 छात्रों को 720 अंक मिले, पहली बार ऐसा हुआ है। 67 स्टूडेंट्स को पूरे में से पूरे 720 का पेपर था, 720 मार्क्स मिले। 6 अभ्यर्थी लाइन लगाकर जो बैठे हुए थे उनको 6 को 720 मिल गए। ऐसे कितने प्रकरण है जिनकी जांच हो जाएगी और जिनको हटा दिया जाएगा इस एग्जाम से। कई ऐसा भी हो सकता है कई नहीं हटे, और कई ऐसा भी हो सकता है जो भले अच्छी तरीके से जिन्होंने सीरियसली एग्जाम की तैयारी की है गंभीरता से, उन बच्चों का को भी नुकसान उठाना पड़े। सवाल ये उठता है तो इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। क्योंकि सिस्टम में तो कहीं ना कहीं लूप होल्स थी, और उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरह ये मामला आरोपी जिस तरह जवाब दे रहे हैं, जो आरोपियों से जो पूछताछ हो रही है और आरोपियों से जो बयान मिल रहे हैं उनके बयानों को सुनकर तो यही लगता है कि इस सिस्टम में जो तमाम जो सरकारी अधिकारी है उनका भी इन्वॉल्वमेंट निश्चित तौर पर हो सकता है, और एनटीए के अधिकारी भी आ सकते हैं लपेटे में। तो किसी को बचाना नहीं चाहिए, सीधे कार्रवाई में एनटीए के अधिकारी होंगे तो एनटीए पे कार्रवाई होगी, सरकारी अधिकारी होंगे उन पर उनको भी लाइन पे लगा दिया जाएगा। शुरुआत में इस तरह की घटना आते ही जवाब देनी चाहिए। ये देश में पहले होता था, मैं ये नहीं कह रहा यूपीए गवर्नमेंट थी तब होता था, लेकिन ये इतनी कमजोर जवाबदेही थी वो जवाबदेही होनी चाहिए। जी शरद जी बिल्कुल माननीय, मैं इस बात से सहमत हूँ और इसके अंदर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, दोषी कोई भी हो। और अगर जिन भी व्यक्ति का इसके अंदर पाया जाता है, कई आरोपी गिरफ्तार हो भी चुके हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। और आगे भी जाके मैं एक चीज जानता हूं कि कोई भी आरोपी इतना बड़ा जब आरोप करता है तो उसके कहीं ना कहीं सरकार के अंदर कुछ नुमाइंदों से हाथ मिले हुए होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ उनका गठबंधन होता है जिसी के तहत वो इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे पाते हैं। तो मैं केवल और केवल यही चाहता हूं कि जो भी इसके अंदर लिप्त पाया जाता है, इसकी सीबीआई पूरे पूर्ण रूप से निष्ठा से जांच कर रही है। जो भी इसके अंदर आरोपी निकलता है उनसे त्वरित कार्रवाई हो, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, युवा हमारे देश का भविष्य है। बस यही हर विचार परिवार के रूप में अपनी बात करता हूं। शरद जी आप लोग आम भी कह रहे हैं कि सभी तरह की जांच हो रही है, विपक्ष शिक्षा मंत्री को से इस्तीफे की मांग कर रहा है, तमाम जो स्तर पर जांचें शुरू हो चुकी हैं और देश के जो युवा हैं छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दी जाएगा, ठीक है दावा कर रहे हैं और तमाम कार्रवाई भी हो रही है, हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि विपक्ष को कैसे आपसे अलग मान लिया जाए। आप भी राजस्थान में यही कर रहे थे जब रीट एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ था, अब विपक्ष वहां पर मजे ले रहा है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि जिस तरह के मामले जिस तरह के आ रहे हैं ना सामने एक एक करके जिस तरह आ रहे हैं, वैसे वैसे जो सत्ता पक्ष है वो स्वीकार रहा है, सत्ता पक्ष के जो अधिकारी है या मंत्री हैं उनके बयान आ रहे हैं कि हाँ ये इस मामले में गड़बड़ी थी। लेकिन पेपर लीक को लेकर अभी भी पुष्टि हो चुकी है लेकिन अभी तक ये नहीं है हाँ पेपर लीक हुआ था। देखिए जांच का विषय विजय जी, जांच जारी है और जो भी इसमें दोषी पाई जाएंगे उनको सजा दी जाएगी। सीबीआई जांच कोई किसी की आपके हमारे घर की जांच नहीं है, पक्ष विपक्ष का कोई इसमें मैटर नहीं है। लेकिन डिफेंड और साथ ही साथ आप देखिए जो गिरोह से लोग पकड़े गए हैं, जिस गिरोह के लोग पकड़े गए हैं ये पनपे क्यों, ये आज तो पनपे नहीं है, ये किन सरकारों ने पनपे, किसके समय में पनपे, ये डिफेंड की भी जांच होनी चाहिए। देखिए विपक्ष को 24 लाख बच्चों के भविष्य से कोई सहानुभूति नहीं है, विपक्ष को सिर्फ उनका तवा गरम चाहिए। जो इनके डोटासरा जी आज मंच पर बैठकर शरद जी ये बताइए किस प्रकार से विपक्ष उनके गांव के बच्चे पेपर में क्लियर हो गए, जैसे यादव का नाम ले लिया था, बिल्कुल नहीं, देखिए तेजस्वी यादव का नाम लिया था, तेजस्वी यादव के पीए का नाम लिया, पीएस का नाम लिया था, प्रीतम के कहने पर जो आरोपियों को यहाँ पर रुक हुआ है पटना में, लेकिन सरकार राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो है आयुषी जी का जो आयुषी पटेल का केस हुआ उसके जरिए लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो ये फेक गिरी है उसको पैदल करने का काम प्रियंका वाड्रा कर रही है। लेकिन आप ये देखिएगा
जवाब समय देता है और वो समय में जांच जारी है। आप ये देखिए देश में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू हो जाना और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाना, ये अपने आप में मायने रखता है। ये एनडीए की सरकार है, थर्ड टर्म की सरकार है, 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। हो सकता है भविष्य में इस एग्जाम में अगर ये दोबारा एग्जाम कंडक्ट भी होता है, इस मामले में क्या होनी चाहिए, क्या फैसला आना चाहिए, फैसला जो भी आए आपके हिसाब से आपके मुताबिक क्या फैसला आना चाहिए, ताकि देखिए दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखे, उनकी 7 पीढ़ियां याद रखे। मनोज जी, अच्छा आवाज आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। राजस्थान में सरकार बनने के बाद और एसआईटी के गठन के बाद एसओजी लगभग 100 से ज्यादा अपराधियों को और उनके मकान जिन्होंने पेपर लीक में पूरा हाथ था, और मैं हमारे जो मित्र बातें कर, राजस्थान की बात तो हो गई, मैं पूछ रहा हूँ ये जो नीट वाला मामला है इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या फैसला आना चाहिए ऐसा जो संतुष्ट कर सके यहाँ के छात्रों को और 24 लाख भविष्य 24 लाख जो विद्यार्थी है उनका भविष्य बच जाए। इसमें मैं बोलना चाहूंगा, उन्हें आयोजित करनी चाहिए परीक्षा, 24 लाख विद्यार्थियों का, देश के युवाओं का सवाल है, तो इनकी परीक्षा करा कर वापस और परीक्षा को पूर्ण अखिल जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि आप ये चाह रहे हैं कि क्या फैसला आना चाहिए, फैसला बिल्कुल अपराधी कोई भी हो, जिस भी व्यक्ति की वजह से हमारे देश के युवाओं का भविष्य खतरे में गया है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर एग्जाम को इस नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट को अगर पुनः कराने का भी अगर प्रावधान होता है तो इसको पुनः कराया जाए, लेकिन अगर इसके अंदर इसमें एक नुकसान भी है कि जिन बच्चों ने मेहनत करके परीक्षा दी, जिनकी कोई गलती नहीं है, उन अगर उनके लिए भी परीक्षा अगर दोबारा आयोजित होती है तो उनके लिए भी ये गलत है। तो मैं ये चाहूंगा अगर जहां पर गलती पाई गई है, जिन बच्चों के विद्यार्थियों के साथ जैसा कि आप ग्रेस मार्क वाला जो मामला है उनकी जैसे परीक्षा का दोबारा परीक्षा हो रही है और उनका दोबारा पुनः इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो इस प्रकार का ऐसा कुछ इसमें आना चाहिए, ऐसा कुछ परिवर्तन आना चाहिए, ऐसा कुछ न्याय मिलना चाहिए युवाओं को कि जिसके तहत बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो दोनों तरफ से। ऐसा नहीं देख सकते अपन कि कुछ बच्चों के चक्कर में सब बच्चों को पुनः एग्जाम देना पड़े। ठीक है दीपेंद्र जी, आज सदन की शुरुआत हुई, लोकसभा का पहला दिन था और विपक्ष ने नीट नीट के नारे लगाए हैं, बाहर प्रदर्शन किया है एनएसयूआई ने, तो किस तरह लेंगे अब इसको, क्योंकि ये नीट का प्रकरण चल रहा है, जांच तो हो रही है, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, विपक्ष का क्या रुख होना चाहिए जो इस पूरे प्रकरण में, और सत्ता पक्ष से क्या उम्मीद है? देखिए हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, उसके ऊपर माननीय कोर्ट पे हमारा पूरा भरोसा है और हम उस पर विश्वास रखते हैं। हम बात करते हैं कि हमारा पूरा दबाव और हमारा जो प्रदर्शन है वो बच्चों के भविष्य के खिलवाड़, बच्चों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है उनकी संवेदनाओं के साथ है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि सर जो चीजें कर रहे हैं सर, हम क्यों इतना प्रेशर और क्यों दबाव, क्यों हम आज सड़क पे धरना प्रदर्शन करें। आज विजय जी आपको अच्छी तरह मालूम है दिल्ली के अंदर जब महिला पहलवानों के साथ में क्या हुआ था, आपको अच्छी तरह मालूम है कि महिला पहलवानों को क्या न्याय मिला था, वो कितने दिन तक वहां पे जंतर मंतर पर रहे वो लोग, और जो देश का गौरव जिन्होंने ऊपर किया उन लोगों के साथ में इस मोदी सरकार ने क्या किया। इसलिए आज विपक्ष मजबूत है, कोई भी ऐसे दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, विपक्ष अपना पूरा का पूरा पक्ष रखेगा और हमारी पूरी संवेदनाएं उन 24 लाख अभ्यर्थियों के लिए। रही बात कुछ जो बातें होती है व्यवहारिक और जो कहने में कुछ अलग होती है, लेकिन जांच का विषय है, इसलिए जांच जो एजेंसी है उनको मजबूत तरीके से और उनको निष्पक्ष तरीके से, हमारी मांग ये है कि ये नहीं व्यवहारिक बातें जैसे कि उन्होंने बता दिया कि आपकी ये होना चाहिए वो होना चाहिए दोबारा से, सर बात ये नहीं है, बात ये है कि जांच जो हो रही है वो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वहां तक जाना चाहिए कि ये पेपर लीक के मास्टरमाइंड कौन कौन थे और ये कहां पर पेपर लीक हुआ, ये कहां के
इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले यहाँ पे कौन कौन सम्मिलित है, अगर सरकार के नुमाइंदे स्वयं इसके अंदर संलग्न है तो आप उनको भी है ना कटघरे में ला करके और उनकी भी पूरी तरीके से उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जो बुलडोजर की बात कर रहे थे सर, बुलडोजर की बात यह है कि सर आज अगर बुलडोजर गिराने की बात आती है तो आप नीट एग्जाम के पेपर की इस पर जांच करवा लीजिए और फिर उन लोगों पर बुलडोजर चलवाइए। हमारी यही एक मांग है हमारी एनडीए की सरकार से। शरद जी, राहुल गांधी से अभी दो दिन पहले जो नीट वाले जो मामले में छात्र पहुंचे हैं वार्ता करने, कोई रास्ता निकालेंगे, विपक्ष में रहते हुए उनकी बात को वे शायद सत्ता पक्ष तक पहुंचाएंगे। देखिए राहुल गांधी, राहुल गांधी पर खुद पर जांच चल रही है और वो अलग खुद जांच के घेरे में पॉलिटिशियन है, कई कई सब पर किसी न किसी पर कई मामले चलते हैं। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा इस मुद्दे पर जो है ऊंची राजनीति छोड़कर देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। देश को आगे ले जाने वाले छात्रों के भविष्य के लिए एनडीए सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। कहने का मतलब यह है संवाद की कमी है सत्ता पक्ष की तरफ से स्टूडेंट्स में, और कहीं ना कहीं वो सूत्र नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष बुरी तरह बिखरा हुआ विपक्ष है। राहुल गांधी को क्यों जाना पड़ा सत्ता पक्ष की, देश के जो आज हालात है उन हालात पहुंचाने वाला जो डेलीगेशन के सबसे बड़ा हाथ है मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ये जो लेकिन जो है बड़े नेताओं से पाए जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को तमाम जो भी वो है संचार के साधन उनके जरिए करते हैं, लेकिन वो संवाद ये देश के कमी है। प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट किया है कि वे प्रधान सेवक हैं और देश को कभी भी झुकने नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से पूर्व की सरकारों में कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर के हिस्सों पर कब्जा करवा दिया, जम्मू कश्मीर के एरियों में कब्जा करवा दिया। 2014 के बाद मोदी सरकार जब से आई है तब से देश को अखंड भारत के सपने को साकार करने का सपना जो है आदरणीय मोदी जी की आदरणीय एनडीए की सरकार सपना संजोए है और उस पर कार्य कर रही है। कांग्रेस कैसी मोहब्बत की राजनीति करना चाह रही है मुझे समझ नहीं आता। ऐसी कौन सी मोहब्बत है जो इनकी पैदल चलकर खत्म नहीं हो रही है, ऐसी कौन सी इनकी विचारधारा है जो इस देश को लगातार बांटती आ रही है, ऐसी कौन सी इनकी विचारधारा है कि मंदिरों पर लगातार हमले होते हैं, ऐसी कौन सी इनकी विचारधारा है कि जिसमें योगी सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसमें राजस्थान में हर पेपर लीक हुआ, ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा लगातार झूठे फेक ट्वीट लगातार करते हैं। और साथ ही साथ मैं भूमि जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की जहां भी सरकारें होती हैं ये झटपट उन लोगों पर केस कर देते हैं जो इन्हें कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं। अभी जो ये आयुषी पटेल वाला मैटर हुआ जिसको सोनिया गांधी ने ट्वीट, इसने प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट भी किया था, उस मामले पर कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई है जब उसके डॉक्यूमेंट्स ही फर्जी पाए गए उस लड़की के, और इसमें हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिए है कि वो जो की जांच की जाए किस प्रकार से उस लड़की ने 2-3 साल पहले भी कहा था कि उसने जो है कोरोना की वैक्सीन खोज ली है। तो ऐसे फैक्टलेस बातें आप ट्वीट करके देश के युवाओं को भ्रमित करना चाह रहे हैं। ये देश ऐसे पटने वाला नहीं है। युवाओं को आप खटाखट स्कीमें बताकर मुंह नहीं सकते। देश का युवा आदरणीय मोदी जी पे आदरणीय एनडीए की सरकार पर विश्वास करता है और जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं, निष्पक्षता से जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। विजय जी आप नोट कीजिए, जल्द ही जल्द दोषी हम सबके सामने होंगे। 10 साल से भी ज्यादा हो गए आपकी सरकार को। चलिए मनु जी आप तभी तो देश इतना आगे बढ़ रहा है, तभी तो ये देश इतना आगे बढ़ रहा है भाई साहब। आप मेरी बात सुनिए, अभी की सरकार के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, आप मेरी बात सुनिए भाई साहब।
आप मेरी बात सुनिए, आप ही के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ये बयान ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि दिल्ली से वो 100 रुपया भेजते हैं तो 90 रुपए रस्ते में रह जाते हैं। लेकिन लेकिन मोदी जी के समय में डायरेक्ट बेनिफिट जो है लाभकर्ता के खाते में आता है। आपके आपकी तरह भ्रष्टाचारी हुई सरकार नहीं है। आपको देश की जनता देखी सर मोदी जी की डिग्री के बारे में, चलो जी प्लीज प्लीज बोलो ना प्रेस जी, बोलो ना डिग्री के बारे में। आप हमें देखिए, आप मुटे हो, मुटे को पलटिए मत। मोदी जी की डिग्री आपको चाहिए तो आप उनका, आप उनका अभी इलेक्शन का जो उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया है, जो पर्चा भरा है, उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स पा सकते हैं। आप मुझे बताइए, प्रियंका वाड्रा का बताइए, राहुल वाड्रा के परिवार को क्या हुआ, राहुल वाड्रा के परिवार को क्या हुआ, डीएलएफ में क्या घोटाला हुआ, कृषि स्पेक्ट्रम में क्या घोटाला हुआ, जांच एजेंसियों ने क्या 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 पाया, कभी भी जांच क्यों नहीं की गई, राजस्थान में डोटासरा जी के खिलाफ जांच क्यों नहीं हुई, क्या बात कर रहे हो, मुद्दे से आप भटका रहे हैं, मुद्दे से हम भटका रहे हैं। आपने डिग्री की बात की तो मैंने डिग्री के बारे में बता दीजिए, आप डिग्री की बात आपने करी है, मुद्दा आप राहुल गांधी पर जो जांच चल रही है उसके बारे में बताइए, उसका क्या फैसला है, इनकम टैक्स का 1700 करोड़ का नोटिस आया हुआ है। गृहमंत्री जी को जांच नहीं हुई, गृहमंत्री जी को जांच नहीं हुई, वो जेल नहीं रहे, उनके बारे में जो सर आप जेल रह के आए ना, उनके बारे में बोल रही ना। देखिए, जांच एजेंसियां निष्पक्षता से जांच करती हैं, दीपेंद्र जी, जांच एजेंसियां निष्पक्षता से जांच करती हैं। आपको 24 लाख बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आपको तंबू झोपड़ी लगाकर इस प्रकार से मुखिया बनाकर अपनी राजनीति चमकाने का जो ये आप गृह कार्य कर रही है, ये देश के युवा सहन नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप, झूठ की सरकार आप चला रहे हैं, क्या बात कर रहे हो। ये तंबू झोपड़ी की जो राजनीति है ये आपकी सफल नहीं होगी। एक सवाल मनोज जी से पूछ रहे हैं, मनोज जी आवाज आ रही है आपको मेरी? मनोज जी का आवाज नहीं। चलिए अखिल जी आपसे पूछ लेता हूँ कि 6 जुलाई को अब काउंसलिंग है इस मामले में, जो स्टूडेंट्स की जो तय कार्यक्रम था इस एग्जाम का, उसके मुताबिक इसको रद्द नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी, और न ही एनटीए ने कोई इस पर फैसला लिया है। अब 6 जुलाई को अगर काउंसलिंग होती है, 6 जुलाई को अगर काउंसलिंग होती है तो तमाम जो स्टूडेंट्स इस काउंसलिंग में जाएंगे उसमें कई ऐसे स्टूडेंट होनहार स्टूडेंट जिन्होंने वास्तविकता में पूरी तन मन से तैयारी की है, जिनके जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया इस एग्ज़ाम के लिए, वो मेरिट लिस्ट में उनसे हो सकता है संभवतः कि जो ये पेपर लीक प्रकरण में जो मुन्ना भाई जिस तरह के जो स्टूडेंट्स थे वो बाजी मार जाए, उनको अच्छे स्कूल्स अच्छे कॉलेजेस जो मिल जाएं, सरकारी कॉलेजेस मिल जाएं और उनका प्राइवेट में नंबर आए। और सरकारी कॉलेजेस में क्या होता है कि फीस बहुत कम होती है, बहुत नॉमिनल फीसेज होती है, और जो ये जो प्राइवेट स्कूल होता है इनमें फीस बहुत मोटी होती है। तो कई तो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी की है, अपना सब कुछ लगाकर पेरेंट्स ने उनको पढ़ा तो लिया, लेकिन अगर कोई प्राइवेट स्कूल मिले, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो उसका अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फिर किस तरह की स्थिति है इसको, तो क्यों ना इस काउंसलिंग को आगे बढ़ाया जाए या इस मामले में इसको पूरी एग्जाम को रद्द कर दिया जाए, क्या कहना है आपका? बिल्कुल माननीय, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और काउंसलिंग रही 6 तारीख को, आने वाली 6 तारीख को अगर काउंसलिंग है तो काउंसलिंग का हो रही है, होने दीजिए। मैं एक चीज जानता हूँ कि अन्याय की उम्र ज्यादा नहीं होती है, अन्याय अगर किसी के साथ हुआ है तो न्याय जरूर होगा, ये कन्फर्म है, समय लग सकता है। और इस काउंसलिंग के अंदर अगर माइथोलॉजी वाली बात कर दी आपने, उनके साथ अगर न्याय हो रहा है, अगर किसी के साथ गलत भी हुआ है तो उसकी पुनः जांच हो जाएगी, जो सरकारी सेवाओं में होने के बाद उसके बाद में भी अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको पुनः सजा हो जाती है, उनको पुनः उस जगह से हटा दिया जाता है। तो ये कोई विषय नहीं है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि भाई ये 6 तारीख को, और ये और 2 दिन की बात है, 8 जुलाई को तो आप सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा ही, 8 जुलाई को। भावनात्मक बातें अच्छी करते हैं इनका, मैं सर अकेले भी आपकी बातों का सम्मान करता हूँ, अपने जी मैं आपकी बातों का काफी, क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी है सर, लेकिन ये जो है ना आपने जो बातें करी है पूरी भावनात्मक बातें हैं सर, और जो
जहाँ पे बनती है उनका मामला अलग होता है। आपके मामले से बातों के अपने विचारों से वास्तव में आपके विचारों का बहुत ही समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छे विचार है आपके। लेकिन जो जांच एजेंसी है जिनको जांच करनी है, जो विपक्ष से दबाव बनाया उसके बाद में जो जांच एजेंसी आगे आई है, जो उनके 16 मई के बाद उनके कबूलनामे है वो सामने किए गए हैं, तो ये भावनाओं से नहीं, ये जांच एजेंसियों पर जो दबाव बनाया, जब एनडीए की सरकार पर दबाव बनाया तब जाकर के ये सब कुछ हुआ है। आज एनएससी और सड़कों पर खड़ा है, आज विपक्ष पूरी तरीके से जोर लगा रहा है, तब जाकर के जांच हो रही है। कौन सी एनडीए सरकार जांच कर लेती सर? आदरणीय ऐसा विषय दबाव है, आदरणीय विषय है, दबाव है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। कानून किसी को भी अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, जांच एजेंसियां एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी ठीक है सीबीआई वो अपना कर्म कर रही है, आप उनको समय तो दीजिए। हम वही कह रहे हैं उच्च न्यायालय आने का इंतजार तो कीजिए। आप फालतू उस बात को इतना हल्ला बोल बनाकर उसमें केवल और केवल अपनी राजनीतिक परिचर्चा को सामने लाते हुए केवल और केवल एक भाई विपक्ष से तो कुछ ना कुछ तो बोलना है। जी अगर आपने सवाल सुना हो अगर तो इसी सवाल का जवाब आपसे भी जानना चाहूंगा मैं। मनु जी आपने मेरा सवाल सुना है अगर तो इसी सवाल का जवाब मैं आपसे सुनना चाहूंगा। 6 जुलाई को काउंसलिंग है स्टूडेंट्स की और इस काउंसलिंग को रद्द नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ना एनटीए ने और ना ही शिक्षा विभाग की तरफ से कोई इसको लेकर मैसेज आया है। अगर ये काउंसलिंग होती है तो इसमें कई ऐसे स्टूडेंट्स भी बैठेंगे जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ तैयारी की थी, माँ बाप ने पूरा तनमन लगा दिया उनको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी बैठ सकते हैं मुन्ना भाई सरीके जिन्होंने पेपर लिए 30-30 लाख रुपए में और अच्छे मार्क्स ले लिए, फिर उनको किस तरह जो कॉलेजेस अलॉट होंगे, कई को सरकारी कॉलेज की जगह प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये मानना है कि सरकार को इस परीक्षा को पुनः आयोजित कराना चाहिए क्योंकि सिलेबस सेम होता है। आप देखिए कि इस परीक्षा का जो सिलेबस है, जो मेगावी छात्र होगा उसका कहीं ना कहीं वो अपनी मेहनत दोबारा करके और पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाके वापस क्वालिफाई कर लेगा, ऐसा नहीं होता। अगर रीट अपन देखें, रीट का मामला था, दोबारा परीक्षा आयोजित हुई, सब कुछ हुआ, अपन कहीं ना कहीं ये नहीं मान सकते। 1% स्टूडेंट ऐसा रहता है कि जिसका कई बार सिलेबस में थोड़ा ध्यान नहीं रहता, वो रह जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट होगी, नीट हमारे देश का एक बहुत बड़ा पेपर है जो 12वीं के बाद दिया जाता है और युवाओं के लिए एक डॉक्टर तक की अहम भूमिका रखता है, तो कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी इंटेलिजेंट होता है, तो उसमें ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार इसको पुनः आयोजित कराए। ऐसा कुछ नहीं, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, थोड़ा टाइम दे स्टूडेंटों को, 1 महीना 2 महीना, जिससे सिलेबस रिवाइज करके वापस वो पेपर दे सके। जी इस मामले में दीपेंद्र जी, इस मामले में लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनमें करीब 19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके तार जो जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, जो पुराने बिल्कुल कहते हैं कि जो यूपी गवर्नमेंट में भी ये जो चल रहे थे, ये संजीव कुमार कुख्यात जो लुटियन गए मुखिया है, इनके तार भी उस टाइम जुड़े हुए थे। कई करीब 48 जो ऐसी एग्जाम्स हैं जिनमें इन्होंने पर्ची इस तरह के जो पेपर हैं वो लीक कराए हैं, तो सिस्टम तो पहले भी कहीं ना कहीं लचर था और आज भी लचर है, ये इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिस्टम पहले भी ऐसा ही था, बस साथ मिलकर, क्योंकि अब सत्ता पक्ष के खिलाफ रणनीति बना रहा है विपक्ष के, हम सदन में घेरेंगे नीट वाले मामले में। सदन को हाउस कहा जाता है, लोकसभा के अंदर जो सदन है उसको हाउस कहा जाता है, हाउस का मतलब होता है घर, और घर में पक्ष और विपक्ष, जिस तरह एक घर में दो तीन भावनाओं विचारधाराओं के लोग रहते हैं उस तरह के रहते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर एक ही मंच पर एक रास्ता अख्तियार करके सामंजस्य बनाकर चला जाता है, अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को हल निकाला जाता है। तो घेरने की बात क्यों आती है बार बार, सत्ता पक्ष को घेरेंगे, मुद्दा क्यों ढूंढती है विपक्ष? विपक्ष को मुद्दा नहीं ढूंढना चाहिए, इसका रास्ता निकालना चाहिए ताकि इस तरह के जो कुख्यात सरगना है वो इस तरह खिलवाड़ नहीं करें, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, चाहे पूरे देश की बात हो, क्योंकि इस मामले ने तो पूरे चूल्हे हिला दिए, गुजरात, बिहार, रांची, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह से इसके तार जुड़े मिले हैं। दीपेंद्र जी, विजय जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, विपक्ष का काम, विपक्ष जो है वो अपना काम कर रहा है,
और विपक्ष अगर अपना काम नहीं करेगा और सरकार पाए तो नहीं, हमने जो पहले संसद के बाहर उन्होंने बैठा दिए थे सारे सांसदों को कि इस तरह की तानाशाही है, वो आप उनको करने वाले नहीं है, पहली बात। दूसरा सवाल मेरा यह है कि आपने जो क्वेश्चन किया कि ऐसा यूके की सरकार में भी हुआ, हम इससे डिनाई नहीं करते, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, एनडीए की सरकार से सरकार है सर, क्या कानून बनाया उन्होंने, क्या किया सर? मोदी की सरकार है ना 10 साल से, अभी सरद जी कह रहे थे कि देश के हालात ऐसे सर, 10 साल से तो आपकी सरकार है, देश के हालात ऐसे क्यों है? हम ये तो पूछना चाह रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं सर, हमारा सवाल क्या है सर? हमारा नहीं भाई साहब, 10 साल पहले के हालात की बात कर रहा हूँ, 10 साल बाद तो हालात बदल गए हैं, 2014 के बाद हालात बदल गए हैं। कब तक नहीं ऐसा रोना, कब तक रोगे सर? आपकी 10 साल की सरकार है सर, कब तक रोना रोगे उसका? आपकी 10 साल की सरकार, अभी बहुमत की सरकार आपकी रही है सर, आपने पूरी तानाशाही कर ली, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो सर। तानाशाही आप जिसे सही कहते हैं वो प्रधान सेवक है और उसकी सेवा के लिए समर्पित है। तानाशाही उन लोगों के लिए है जो भ्रष्टाचारी है, उन लोगों के लिए है जिनकी रातों की नींद उड़ गई है, तानाशाह उन लोगों के लिए है जिन्होंने आमजन का पैसा खाया है। आप अपने की बात करते हो सर, मैं मुद्दे की बात करता हूँ, आप मुद्दे पे बात नहीं करते सर जी, आप विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा दीपेंद्र जी, आगे निकट जो है सभापति के मुद्दे पर अभी मार खाएगा और उस मुद्दे से भटकने के लिए इस मुद्दे पर देश भर में दरिया बिछाकर अपने कार्यकर्ता को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। आज यही खत्म करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है माननीय, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा एक बार। जी जी बताइए बताइए, बोलिए भाई साहब। एक बात, ये तानाशाही और ये मैं, हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मोनार्कियल गवर्नमेंट नहीं है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जनता ने बनाया है, तो आप इसको तानाशाही शब्द ना दे। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करें कितनी देर पहले, और आप भूल रहे हैं कि कैसे के 3 काले कानून बनाए थे जिसके लिए तानाशाही, हम कोई तानाशाही को होता है मोनार्की रूल होता है, तानाशाही के अंदर एक राजा और बाकी प्रजा होते हैं, हमें तो बनाने वाले जनता है, हमने जनता का मान सम्मान के ध्यान, जनता के हित में काम किया, जनता ने हमको उनके भेजा। लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश की, तानाशाही तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तानाशाही तो वैसे भी नहीं दे सकती। और जिस तरह के फिगर मुझे जवाब दे दूंगी बात का, तानाशाही की बात करें सर, इन्होंने मोदी की गारंटी चलाई सर, ये मोदी की गारंटी क्या है, तानाशाही तो क्या है? आप बीजेपी सरकार को नहीं मानती क्या? मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह जो जिस फिगर को अचीव करना चाहती थी जो बीजेपी सरकार नहीं कर पाई ना, तो लोकतंत्र का सारा का सारी व्यवस्था लोकतांत्रिक है, यहाँ पर सारी व्यवस्था लोकतांत्रिक है, तो उसका जवाब जनता देगी। अगर बीजेपी अगर तानाशाही होगी बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार, उसको जवाब देगी। कांग्रेस अगर ऐसा करेगी तो कांग्रेस को जनता जवाब देगी। ये लोकतांत्रिक जनतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबका फैसला है, जनता जो सरोकार वाली सरकार है उसको ही चुनती है, और जो जनता से चालबाजी करता है जनता के सब कुछ समझ में आता है। एक एक लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए ना, उनको देख सकते हैं आप आराम से। और बाकी जो ये इसका मामला है, नीट वाला जो मामला है, स्टूडेंट्स के आम बच्चों के जो भविष्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी जो डिप्रेशन में आते हैं, अवसाद के शिकार हो जाते हैं, यहाँ तक आत्महत्याओं तक की जो खबरें सुनने में आ जाती है, और इसको लेकर कुछ जो डिबेट्स में कोई एक्सपर्ट डॉक्टर्स की भी सुन रहा था, मनोवैज्ञानिकों की सुन रहा था कि अगर इसमें कुछ ढंग का अगर सॉल्यूशन नहीं आया तो इस तरह की जो ऐसी अनहोनी घटनाएं भी सुनने को मिल सकती है कि बच्चे कहीं सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। इसके लिए सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए, पहले दिन ही तय करनी चाहिए जब ये मामला सामने आया, ताकि बच्चों के अंदर एक ढांढस बंधे, उनके पेरेंट्स के प्रति एक कोई विश्वास सरकार के प्रति कायम हो। ये है मांग। अब सत्ता पक्ष विपक्ष है, ये तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, शुरू से ही लगाते रहेंगे, लेकिन इस बीच स्टूडेंट्स का क्या रहा है? रात की राजनीति तो चमकाते रहेंगे आप, लेकिन स्टूडेंट्स के भविष्य का क्या होगा, इस पर जो कोई ना कोई जो एक पक्का जो विचार है वो लेकर और कोई रास्ता निकालना चाहिए। अभी ये सरकार इसके लिए वचनबद्ध है, सरकार आएगी बिल्कुल। अब न्याय होना चाहिए, न्याय होगा।
बिल्कुल, इस डिबेट को आज यही खत्म कर रहे हैं। ईओयू और सीबीआई की जांच चल रही है, एनटीए भी अपने स्तर की जांचें कर रहा है, उसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी का भी गठन कर दिया डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, और तमाम तरह के पहलुओं की जांच की जा रही है कि आखिर लूपहोल्स कहाँ थी, एनटीए के अधिकारियों में कमी थी, सरकारी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे उनकी कमी थी, कहीं से पेपर लीक भी हुआ था, सुनने में आ रहा है कि एक प्रोफेसर के जरिए ये पेपर लीक हुआ है, तो तमाम चीजों की जानकारी हो रही है। दोषियों को उम्मीद है सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इसके अलावा एक और उम्मीद हम करते हैं कि जो भी फैसला है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का है, चाहे राज्य, चाहे देश की सरकार करे, इस तरह का बैलेंसिंग फैसला आना चाहिए जिससे कि देश के जो युवा हैं, करीब 24 लाख जो छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, वो डिप्रेशन में नहीं जाए, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लिया जाए। फिलहाल हमारे साथ जो जुड़े थे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।